अब तो चल गिरे बस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाने वाली हूँ, जो कि हमारे बच्चों सालों बाद आ रहे हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। रात भर टेंशन से सोई भी नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों टेंशन में थी, क्योंकि पहली बार वो अकेला आ रहे हैं और टेंशन तो होता ही है। आप सभी को पता ही है कि दूर से आने पे तो बड़े बड़े लोगों का भी हालत खराब जाता है, टेंशन रहता है सफ़र में क्या होगा क्या नहीं। और मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं, आप सभी को पता ही है, वहीं से आ रहे थे तो मैं रात को टेंशन में सोई भी नहीं थी। तो आज मैं अपने बच्चों से आप सभी को मिलवाती हूँ। आप सभी का रिक्वेस्ट भी था कि अपने बच्चों से मिलवाइए, तो जिस गाड़ी से आ रहे हैं उसका टाइम हो गया है और बच्चे हमारे आने वाले हैं, तो आइए मैं आप सभी को मिलवाती हूँ अपने बच्चों से। ये देखिए दोस्तों, सालों बाद हमारे बच्चे आ रहे हैं गांव में और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कोरोना नहीं है, कोरोना की चलिए बिहार में कोरोना भाग गया है। कोरोना भगा देंगे इधर आके। पहचान गया प्लीज। चलो सामान रखो, फिर हाथ पे जोड़ते हैं। सामान को रखते हैं इधर। देखिए दोस्तों, सालों बाद हमारे बच्चे आए हैं और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। क्या करते हैं, मेरी चोर हो रही है। 4-5 साल बाद आए हैं ये लोग। मैं कभी गांव में रहती हूँ, कभी दिल्ली में रहती हूँ, आप सभी को तो पता ही है। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारी बेटी का बर्थडे है और आज मैं खूब खुश हूँ। और अब मैं शाम को बर्थडे मनाऊंगी, तो भी आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो अभी दीदी को बोले बर्थडे कि नहीं बोले? गोल्डी को पता है सीक्रेट है। चलो हाथ पैर धो लेते, हाथ पैर धो पहले फिर बात करते हैं। सबसे मिलो। रात भर मेरे को नींद नहीं आया, क्यों? मेरे को लगा था मैं ही ट्रेन में हूँ। एक बजे उठी, 2 बजे उठी, 3 बजे उठी, और उसके बाद 3 बजे उठ के मुझे फोन कर रही है। पहली बार आ रहे हैं क्या? पहली बार तो आए हो अकेले, नहीं तो मेरे साथ ही कहीं जाते हो ना। तो फिर भी इतने छोटे नहीं है ना। कोई नहीं, आ गए ना, बड़ी हो गई है, आ गए ना। चलो बस। तो दोस्तों देखिए, मैं जब इनका आने का टिकट हो गया था, तो मैं उस दिन भी सोच रही थी, पता नहीं क्या पैकिंग करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे आएंगे। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, वो भी टेंशन था। रात को ट्रेन में थे तो डर लग रहा था कहीं बच्चे हैं, बच्चे समझ के कोई सामान ना उठा ले जाए, कहीं बच्चे कुछ हो ना जाए, ये टेंशन से मैं रात भर नहीं सोई। तबीयत और ख़राब हो गया है, अभी इनको देख के दिल में थोड़ा खुशी आ गया है। भात खाइए। अच्छा, मम्मी घर से बाहर सोती है। कोई नहीं।
बैठो भाई बैठो। प्रिंस तुम मिला नहीं ना दादी से, पहली बार मिल रहा है प्रिंस तो। दादा से मिला? अरे दादा तो कूल है, दादा ने मेरी कोल्ड ड्रिंक ले ली। दादा पी लिया आपने? हाँ देखा है, दे दिया गोल्डी के। सही लगा? हम पर सब बता देंगे। सुशील संस्कारी हो तो बताना। चले फिट 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 डॉक्टर। क्रीम से क्रीम। ये देखिए दोस्तों, हमारे गांव में हरी चटनी तो मस्त होती है भाई खाने में, समोसे के साथ। समोसे लेकर आए हम दादा के लिए और बच्चों के लिए, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। गोलू कितने के समोसे? 10 के 4। अच्छा 1 2 दादा 5 के 2। अच्छा आम का है? इमली का बना था दादा। आम का टाइम पर मिल इमली का, इमली का सूखा आम का है क्या? हाँ उसका होता है। ये आम नहीं है। भाई गांव का समोसा 1 नंबर होता है क्या? यार लगा है 1 नंबर का। कैसा लग रहा प्रिंस समोसा? मम्मी आप लोग भी ले लो। अभी लेंगे। एक बार वीडियो बनावे ओकरा के अगर समोसा ठीक होला। पंडित जी का है। तो देखिए दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं दाल चावल और सब्जी पापड़ तिलौड़ी, और फिर मैं खिलाऊंगी उन्हें। तो बिल्कुल गर्मा गर्म बना रही हूँ मैं। देखिए कुंदरू का भुजिया रेडी हो गया है। कोई नहीं, आ जाओ भाई, ले जाओ मेरी लड़ाई शुरू हो जाए। सब दिहाड़ी पे ये सारे चूल्हे का पुताई कर रहे थे। तो मैं चूल्हा बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस पर मैं आपको रेसिपी दी हूँ अभी। और देखिए ये जो चूल्हा है छोटा वाला, ये मेरी गोल्डी का चूल्हा है। तो सभी का साफ सफाई कर रहे थे लाला जी। ये बच्चे मेरे आ गए हैं, जो मेरे आए हैं तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए। देखिए काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। कहाँ से आया मेरा रुको? आप देखे ही बच्चे हमारे आ गए हैं। अब मैं जाती हूँ इनको खाना वाना खिलाती हूँ, और उसके बाद फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। अब तक सब गिरे बस कर रहे हैं। ठीक है एक प्लेट ले आना, बता दे चावल निकाल। नहीं मैं खा लूंगी, खा। नहीं नहीं अरे तो रहने दे, देंगे नींबू चाहिए। नींबू दे देती हूँ। नींबू है? नींबू भी रखा दो। ऐसे क्यों नींबू दे रही हो? मुझे नींबू मिलता है इधर। चाकू दे दो ना। इसमें नींबू है, जूस है इसका।
है ना रे, गांव का नींबू में ना बहुत जूस होता है, ये हंस रहा है। देखिए दोस्तों, आपके हाथ का भी जूस जा रहा है। अच्छा लगा, देखिए बोलेगा आपका। पापड़ भी ले लो सबके साथ। तो दोस्तों मेरे से ना ये अलग रहते थे, अभी मेरे को आए हुए यहाँ पे हो गया डेढ़ महीने से खुद ही बना रहे थे, खुद ही खा रहे थे। हाँ भाई, मजा तो आया होगा। लक्की ने मैक्रोनी बनाई थी, ऐसी मैक्रोनी जिसको पानी ले लेके खाया मैंने। इतने दिन से हाइप कर रहा था ले कि मैक्रोनी बनाऊंगा और इतनी घटिया मैक्रोनी बनाई है ना उसका। तो नहीं, कुछ नहीं बोला। अच्छा बनाता है बहुत, पूछा उसके से खाया, इससे कुछ नहीं बनवाया। चावल देख के तो अच्छा है, गांव का मस्त चावल और बारीक बारीक वाला चावल है, खाओ तो खाते ही रह जाओ, दो छिपा भात खा जाए। ऐसा तो नहीं है, खुराक उतनी रहेगी। तो इसलिए तो मैं गांव में बुला दी, मेरे को पता था कि मैं नहीं हूँ तो तुम लोग खाना नहीं खाते हो। नहीं, हम दो जगह से दो टाइम खाना खाते हैं, दो टाइम नाश्ता करते हैं। तुम लोगों को लग रहा है क्या ट्रेनिंग हो रही है?